दोस्तों इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूँ, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं जो कि आपकी यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, यूपी ट्रबल एससी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, क्षेत्रीय युवा कल्याण व यूपी पीसीएल व अन्य सभी एग्जाम के लिए। इसके लिए सिंपल सा आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, उसके बाद में आपको मुझे फॉलो करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, ये आपके यूपी ट्रबल एससी के, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट मैं यहाँ पर आपको लगातार दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको मैथ के कोर्स मिल जाएंगे यूपी ट्रबल एससी, यूपी पीएससी एग्जाम के लिए, और आपको दोस्तों यहां पर जो हिंदी की बेस्ट कोर्स मिलते रहेंगे आपकी यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रबल एससी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व अन्य सभी एग्जाम के लिए। और यहां पर दोस्तों आपको करंट अफेयर के कोर्स भी मिलते रहेंगे जो कि आपके सभी, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड करें अभी। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका दोस्तों दिया गया है पहला, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? अमेरिका, नॉर्वे, भारत, स्विट्जरलैंड। आंसर आपका रहेगा डी, यानी कि स्विट्जरलैंड। यहाँ पर ये आपका है एक्सप्लेनेशन, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे बात करेंगे, गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड, जापान, इराक, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका रहेगा दोस्तों यहाँ पर ए, यानी कि स्विट्जरलैंड। दोस्तों गोथार्ड बेस सुरंग स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह दुनिया की सबसे लंबी तथा गहरी रेलवे सुरंग है, 57 किमी लंबी है, और इसने जो है जापान की शिकान रेलवे सुरंग 53.9 किमी को पीछे छोड़ा है। क्वेश्चन अगला, विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? चार के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। आंसर नंबर डी, शंघाई की मांगलेव। तो दोस्तों इसका जो स्पीड है आपका 267 मील प्रति घंटा है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर दिया गया है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। चार आपके आंसर दिए गए हैं। ये दोस्तों आपका चलता है कहाँ से? ये आपका चलता है वैंकूवर और हेलिफैक्स के मध्य, ये आपका चलता है, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे वैंकूवर और हेलिफैक्स के मध्य चलती है। इसका स्थापना हुआ था 1881 में। यह रेलवे कनाडा के पूर्वी तट को पश्चिमी तट से जोड़ती है। पहले यह मॉन्ट्रियल और वैंकूवर तक चलती थी, लेकिन अभी जो है यह इसका जो विस्तार है ये हेलिफैक्स तक किया गया है। तो आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका रहेगा राइट आंसर। आगे बात करेंगे दोस्तों भाषाएं, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका अगला है जो भाषा से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। संयुक्त राष्ट्रीय संघ की सरकारी भाषाएँ हैं, चार आपके आंसर दिए गए हैं। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ए, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। तो दोस्तों यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है, स्पेनिश है। इन्हीं छह भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे बात करेंगे, विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी को बोलने वालों का कौन सा स्थान है? आंसर आपका भी रहेगा, यानी कि 4 नंबर, यानी कि 4th नंबर का स्थान है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें विश्व में देसी वक्ताओं की दृष्टि से हिंदी का जो स्थान है वो 4th है, जबकि पहले, दूसरे और तीसरे पर जो है मंदारिन, स्पेनिश और अंग्रेजी है। इसके अलावा कुछ बोलने वालों की संख्या के दृष्टि से हिंदी का जो है विश्व में 5वां स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शीर्ष की जो भाषाएं हैं मंदारिन, अंग्रेजी, स्पेनिश और अरबी, यहाँ पर आपकी भाषाएँ हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो कृषि और पशुपालन से पूछे गए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है भारत, जापान, ब्राजील। चार आपके आंसर दिए गए दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा सी, यानी कि चीन। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें इसके बारे में तो इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन के अनुसार चीन का जो है सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, तो 2014 के अनुसार जो है यहाँ पर चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर, उज्बेकिस्तान नंबर 3 पर, थाईलैंड नंबर 4 पर और ब्राज़ील नंबर 5 पर है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? चार आपके आंसर दिए गए हैं, यानी कि आंसर नंबर आपका रहेगा डी, यानी कि भारत। दोस्तों FAO के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में धान उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और चीन का यहाँ पर जो है पहला स्थान है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, विश्व का भूगोल विविध है, यानी कि यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके जो है मिसलिनियस टाइप के हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में आ चुके हैं और इन सारे क्वेश्चन का आपके एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन पहला, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर नंबर सी, यानी कि पर्णपाती वन कहते हैं। तो दोस्तों जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती उन्हें हम बोलते हैं पर्णपाती वन बोलते हैं।
उत्तर भारत में तथा समशीतोष्ण क्षेत्रों में यह शरद ऋतु में होता है और इस कारण उस मौसम को हम पतझड़ भी कहते हैं। क्वेश्चन अगला, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? चार आपके आंसर दिए गए हैं। आपका जो आंसर रहेगा आंसर नंबर बी आपका रहेगा राइट आंसर, यानी कि बी हमिंग बर्ड यहाँ पर जो है राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर बी हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी है। यह विश्व का सबसे छोटा पक्षी है और इसकी लंबाई लगभग 2 इंच तक होती है। तो ये काफ़ी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये आपका टॉप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर आपको रट लेना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में सेम टू सेम आ सकता है, तो यहाँ पर आपके उसको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। आंसर कांगो। दोस्तों यहाँ पर जो है कांगो नदी, जिसे प्रायः जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। यह 4700 किमी लंबी है और यह नदी नील नदी के पश्चात अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके। क्वेश्चन अगला, ग्रेट बैरियर रीफ एक है, क्या है ये? चार आपके आंसर दिए गए, यानी कि ये प्रवाल रचना, आंसर नंबर बी आपका रहेगा राइट आंसर। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित प्रवाल रचना है। यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है। ये दोस्तों यहाँ पर जो है 3,48,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है और यह अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और इसे जो है 1981 में विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया गया था। ये सारे पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, द हेग, रोम। ये क्वेश्चन काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि द हेग। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है और इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया था। क्वेश्चन अगला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, पेरिस, वियना या बर्लिन। चार आपके आंसर दिए गए, आंसर नंबर आपका रहेगा सी यानी कि वियना। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है और इसका गठन वर्ष 1957 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन अगला, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? चार आपके आंसर दिए गए हैं, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेपाल। वर्ष 2007 में एशियाई देश नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया, जबकि वर्ष 2006 में अफगानिस्तान में राष्ट्रगान अपनाया गया। तो यहाँ सबके 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया? चार आपके आंसर यानी कि 93.2 डिग्री सेल्सियस आपका रहेगा राइट आंसर, जो कि कब हुआ रिकॉर्ड? 10 अगस्त 2010 को। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? चार आपके आंसर दिए गए, यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा डी यानी कि ब्रोमीन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ब्रोमीन आपका ये समुद्री जल तथा खारी झीलों के जल में पाया जाता है। इसकी खोज जो है एजे बालार्ड ने 1826 में किया था और ये जो है हाइलोजन ग्रुप का तत्व है। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 10, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में है? चार आपके आंसर दिए गए हैं, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा सी यानी कि हिंद महासागर। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रसिद्ध जावा ट्रेंच जिसे सुंडा गर्त भी कहा जाता है, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। यह हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और यह लगभग जो है 7,450 मीटर गहरा है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये तो था आपका जो है विश्व का भूगोल का अगला लेसन, जहाँ पर हमने बात किया टॉप के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो कि पेपर में आ चुके हैं और यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा लेसन आपको पसंद आया होगा और लेसन अगर आपको ये पूरा पसंद आया है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए रेट लाइक कमेंट और शेयर करते रहें।